हाँ अरे वो ब्लॉगिंग बन रहा है, हम लोग का यूट्यूब चैनल है घुमक्कड़ प्रयागी, सर्च करिएगा। टुगू आ गया था। तुम चलाओगे क्या आज बाइक को, कहाँ चलोगे? और टुगू फाइनली बहुत बीमार था, वैभव भाई बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में कि इसको क्या हो गया था। पार्वो हो गया था जो जल्दी सही नहीं होता कुत्तों को। एक जानवरों की ऐसी बीमारी है, स्पेशली डॉग्स की ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें इसके जान जाने की नौबत आ गई थी और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। बहुत इलाज चला भाई का, और कौन से डॉक्टर को दिखाया था? ए के सिंह जी को दिखाए थे यार, बहुत पैसा लगा। पैसा लगा छोड़िए, लेकिन उन्होंने सही कर दिया। मतलब टुक्कू की हालत ये हो गई थी, अगर आपके पास भी डॉग है पेट है तो पारवो एक डिजीज़ होता है जो कि जानवरों को हो जाता है अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते हो। तो टुक्कू को ये बीमारी हो गई थी और इसकी मतलब ब्लड की वॉमिटिंग होना और लूज मोशंस वगैरह ना बहुत सारी समस्या आ गई थी। मतलब मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मैंने इसके बारे में बात भी नहीं करी थी, लेकिन अभी फिलहाल टुक्कू ठीक है। आपका टुक्कू वापस आ चुका है, योर टुक्कू इज रिकवर्ड नाउ। लेकिन इसके बाद भी अभी काफ़ी कमज़ोर हो गया, इसका वैक्सीनेशन होना बाकी है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पे। और अभी हम लोग इस टाइम पे आ चुके हैं वैभव भाई के घर में, और हमारे साथ टुगू भी है। आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल लक्ष्मण मार्केट के लिए, और एक कनेक्टर मुझे चाहिए। आपको याद होगा कि मैंने GoPro 9 लिया, अपना सारा सेटअप कर लिया है, उसमें माइक वगैरह भी मंगवा लिया है। एक छोटे से कनेक्टर की आवश्यकता है जो इंदिरा भवन में मैंने कॉल किया वहाँ पर भी नहीं अवेलेबल है, जॉनसनगंज में भी नहीं अवेलेबल है। तो लास्ट ऑप्शन जो अपने पास है वो है लक्ष्मण मार्केट का। सो फिलहाल यहाँ से रवाना होंगे लक्ष्मण मार्केट के लिए, और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे लक्ष्मण मार्केट का ब्लॉग बनाने के लिए, तो वो भी बनाएंगे आज। सो चलते हैं लक्ष्मण मार्केट। भैया लक्ष्मण मार्केट। और बाकी आप लोगों ने होली वाले ब्लॉग पर बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों ने तारीफ करी, तो थैंक यू सो मच यार। अच्छा लगता है जब कोई आपकी मेहनत को इतना अप्रिशिएट करता है, तो काफी मजा आया। ये वैभव नहीं था क्योंकि ये सो रहा था देर तक उस दिन। कल आ गए वैभव के यहाँ गुजिया खाने, इसके यहाँ गुजिया नहीं खाई थी, खा रहे। ये क्या है बे? लो तुम्हारे लिए गुजिया भैया। क्या है ये? पेडिग्री खाओ साले। ये अभी हम लोग प्रयागराज के सबसे बड़े मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आ चुके हैं जो कि है लक्ष्मण मार्केट। तो जो सामान हमें चाहिए वो यहाँ मिलेगा कि नहीं देखते हैं फिलहाल। वैभव भाई उधर है सामने। हमें जो सामान चाहिए वो ये है, और आपको मैं बता दूं ये पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा है। मेरा जो भवन में तो नहीं मिला, अब यहाँ देखते हैं। इंदिरा भवन में नहीं मिला, जॉनसनगंज में मैंने कॉल करके पूछा, वैसे भी जाकर देखा तो नहीं, लेकिन इंदिरा भवन में भी नहीं मिला, जॉनसनगंज में भी नहीं मिला, और फिलहाल लक्ष्मण मार्केट में देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। और ये आप देख सकते हैं लाइन से सारी मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स की, और आज बिल्कुल भीड़ नहीं है। होली के बाद का ये वाइब है यहाँ का। वाइब क्या मतलब, ये माहौल है। अबे वाइब इतना बोलते हैं ना कि वाइब एकदम हमारी डिक्शनरी में फिक्स हो चुका है। तो भैया पूरा लक्ष्मण मार्केट छान रहे लेकिन कहीं नहीं मिल रहा, और आप ये देख सकते हैं लाइन से शॉप्स हैं यहाँ की। क्या लग रहा है, मिलेगा कि नहीं? इनसे पूछो भैया। वैभव जो सामान क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो बताओ? क्या बताओ एनर्जी? क्या क्या एक बार बताओ, उसको एक्सप्लेन करो जो कर रहा है। जानते हो ब्लॉगिंग शुरू करते हैं अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो कट करते करते मजा नहीं आ रहा, फिर से लेते फिर से करते हैं इसका। उसके पहले करने पहले जस्ट क्या करते हैं हम पता है? ये क्या है नीचे का सा लगा हुआ खर्च के। दरअसल मैं म्यूजिशियन आदमी हूँ ना, तो थोड़ा सा वो सा नीचे का सा लगाते हैं, उसके बाद ब्लॉगिंग अच्छी होती है। तो भैया नहीं मिला, गलत हो गई है चौपट गई है पट सा निकलेंगे फटाफट भाई। तो निकल रहे हैं फिलहाल शाहगंज के लिए, और शाहगंज में ढूंढते हैं शायद हमको मिल जाए जो हम जिस चीज़ की हमें तलाश है। उम्मीद कर रहे हैं मिल जाएगी। आ चुके हैं शाहगंज मार्केट, और उम्मीद है कि यहाँ पे सामान मिल जाएगा। भैया मिल गए थे हमारे साउंड ऑपरेटर, वो बताएं किसी के यहाँ देखते हैं। और यहाँ पे बहुत फेमस शॉप है केसी करके, केसी इलेक्ट्रिक्स है, तो यहाँ पे पता करते हैं। सब ने सजेस्ट यहीं पे किया है। हाँ तो भैया आ गए अपने लक्ष्य पे। अरे यार साहब सब मना, यहाँ पर भी नहीं है भैया, कहीं नहीं मिल रहा ये। हाँ वो आपसे मैंने शायद एक लोगों ने पूछा भी था ना, अभी पूछने से उन्होंने बात करी थी। चलो और देख लेते हैं। कहाँ कहाँ पांडे जी घूमेंगे आप? अरे धक्का काहे दे रहे हैं कि हम लोग का काम थोड़ा यूनिक वाला है ना, तो हमारी चीजें हर जगह मिलती नहीं। छोड़ो काहे मुंह देख के तुम बताओगे क्या यार? सारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप घर पे रखा है, एक कनेक्टर की वजह से सारा काम रुका हुआ है। हाँ तो बबलू भैया नहीं मिला उनके यहाँ पे।
चीज जो ढूंढ रहे हैं ना बड़ी खतरनाक चीज है, वो हर जगह नहीं मिलेगी। ऑनलाइन मंगवाए हैं वैसे, लेकिन वो वेडनेसडे को आएगी, तो लग रहा है साला अभी आज ही मिल जाए तो उसको कैंसिल कर दे। हेलमेट में कैमरा बबलू साउंड, उसके लिए छोटा सा कनेक्टर बस आड़े आ रहा है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, बहुत देर तक दौड़ा रहा है। हाँ चलो देखते हैं, चूंकि हम लोग वीडियो बना रहे थे तो जो व्हाइट शर्ट पहने शख्स को हम पे शक हो गया, तो उसने अपने मालिक से बोला कि देखा आप वीडियो, इन लोग आपका वीडियो बना के गए हैं और आपसे सामान के बारे में पूछा है, आपने बोला नहीं। उसके बाद ये कह रहे थे कि आप पंजाबी कॉलोनी में रहते हो ना, मैंने बात सुनी, मैं कहा भैया अरे हमारा यूट्यूब चैनल है, आप ऐसा कुछ गलत मत सोचो। तो फिर उसके बाद उन्हें भरोसा हुआ, कह रहे ऐसे प्लेसेस पे वीडियो बनाना थोड़ा सा टफ होता है, नहीं मिलेगा ना, कहाँ दे सकता है, केसी वाले के पास, केसी वाले के पास भी नहीं है, बालाजी भी नहीं है। हम इस निष्कर्ष पे निकले हैं कि जो सामान हमने पूरे लक्ष्मण मार्केट, इंदिरा भवन, जॉनसनगंज, इंदिरा भवन सब जगह ढूंढा है, वो कहीं नहीं मिला, वो ऑनलाइन ही मिलेगा। तो आइए चले घर चलते हैं, घर भैया घर चले, भैया घर चले। आगे आपका ये पूरा शाहगंज का मार्केट है, आप आगे देख रहे हैं, बहुत कंजस्टेड गली है और ये लाइन से सारी शॉप्स हैं लाइट की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, और यहीं पे बाइक देखिए मैंने कैसे पार्क करी है अपनी। चलो चलो आगे, बहुत तगड़ा जाम भी लगा हुआ है और यहाँ मैंने अपनी बाइक पार्क करी है, तो फिलहाल चलते हैं। ये आखिरी शॉप है जहाँ हम पता करने जा रहे हैं, है। तो भैया होली के बाद आप देख सकते हैं लोकनाथ का हाल, यही वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग होली खेल रहे थे और मेरा व्लॉग यहीं का वायरल हुआ है। और ये देखिए ऊपर कपड़े टंगे हुए हैं, अभी तक कपड़े उतारे नहीं गए, पता नहीं कब उतारे जाएंगे। ये है फिलहाल लोकनाथ चौराहे का सीन। तो अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस टाइम पे नैनी में एग्रीकल्चर, ये सामने शुएट्स कॉलेज है, कहीं वो जैक नहीं मिला और भूख लगी थी तो यहाँ नैनी में बहुत अच्छा वड़ा पाव खिलाते हैं भैया, लेकिन आज वो नहीं मिले, कुछ नहीं मिला आज, और एक तो गाना है जो नाकाबंदी होली का, उसका मैं एक वर्जन बना है थोड़ा सा सुना दो, थोड़ा सा वही वो जो कर रहे थे कैसे, अरे भाई साहब। तो भाई यहाँ वड़ा पाव भी नहीं मिला ना जैक मिला, अब क्या लग रहा है वहाँ कुछ आगे मिलने वाला है कि नहीं, आज कुछ नहीं मिली, आज आपको लग रहा है ना अभी होली बीती नहीं है, सब होली मना रहे हैं, नशा उतरा है, अभी मार्केट रोड कर खुला नहीं है, होली नशा नहीं उतरा लोग। हाँ तो चलते हैं यहाँ से अपने घर की तरफ, कुछ खाने पीने का सामान मिलेगा तो उसे कवर करेंगे। क्या हुआ वैभव, क्यों थक गए हो? अरे यार नागा पाव मिला ना तुम्हारा। तो फिलहाल दोस्तों हम आ गए अपने पुराने कॉलेज इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, और यहाँ पे हमारे छोटे भाई लोग मिले हैं जो कि यहाँ से ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मिलके। आपका नाम क्या है? गौरव। आपका? अच्छा से ये तो बगल में बेकर शर्ट पे चल के आपको पैटीज खिलाते हैं, मतलब दिखाते हैं और इन्हें खिलाते हैं। हाँ चलिए भैया, बहुत तेज भूख लगी। और ये मेरा कॉलेज इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, सो चलते हैं यहाँ से। और ये हमारे जो गार्ड लोग हैं ना यहाँ पे, हाँ हाँ बिल्कुल, एक बार हाय कर दीजिए। हाय, हम इस कॉलेज के पुराने छात्र हैं, 2014-2017 थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है घुमक्कड़ प्रयागी। हाँ घुमक्कड़ प्रयागी। तो देखते हैं मेरा वीडियो सबसे ऊपर आता है कि नहीं, बस सर्च करिएगा लोकनाथ की होली। हलैला नट ना ही चलता आपका होए, इज्जत बच गई। चलो इनके इनके हम देखी था लोकनाथ की होली डालो, एल ओ के एन ए टी एच की होली, ये उसमें आएगा कि नहीं पता नहीं, सेकंड नंबर पे आया भाई, सेकंड नंबर पे आया, वो तो पुराना है वैसे भी, 12,000 व्यूज हो गया भाई। ये नहीं 22,000 है ना, ये है, ये सबसे ऊपर वाला है, ये सबसे ऊपर है भैया, ये हमारा वीडियो है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका वीडियो भी आएगा इसी में। और फिलहाल आए गन्ना का जूस पीने यहाँ पे अपने कॉलेज के सामने, तो पहले गला तर करते हैं क्योंकि गले से आवाज नहीं निकल रही, गला एकदम सूख चुका है। गन्ना का जूस और घरे मूस, अच्छा बहुत स्वादिष्ट होते हैं। घरे मूस, मूस खाते हो क्या घर का? आज तुम सारे हमको पेडिग्री खिला रहे हो और घर का मूस उस कह रहे हो कि बहुत टेस्टी होता है, क्या कह रहे हो, बातें क्या कर रहे हो तुम भाई?
जस में तस जितना करबो उतना रस। अरे बाप, रस निकल रहा है क्या? गन्ना का जूस। आज वैभव भाई फॉर्म में आ गया है। और पुदीना उदीना एकदम ले पुदीना ले पुदीना ले लो पुदीना पुदीना फिर बाद में दिखाओ मेरा बच क्या। देखो लालच दे रिफ्रेशिंग भाई रिफ्रेशिंग भाई। गर्मी का असर मार्च से ही दिखने लगा है। अप्रैल मई जून में क्या हाल होगा? पूरा गमगमा गया। शूट तो कर लो, अभी शूट नहीं किए हो। हाँ तो भैया जैसा कि आप सभी देख सकते हैं बेकर्स हटा चुके हैं भैया, केक पेस्ट्री ब्रेड स्नैक वगैरह सब कुछ मिलता है। चलिए बाय टाटा टाटा। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं बेकर्स हट पे, और अपने कॉलेज के टाइम पे मैं यहीं पे आता था, तो चलिए यहाँ का पैटीज आपको दिखाते हैं, वर्चुअली दिखाते हैं। बाकी लोकेशन आपको बता दिए, ईसीसी के पास में ही है। ईसीसी पास पड़ता है, जल्दी आके खा लीजिएगा, चलते हैं हम खा लेते हैं। चलो चलो, ये बेचारा थक चुका है, मजदूर की तरह इससे काम करवा रहे हैं। हमारे भाई लोग भी हैं साथ में। चलो चलिए, हमारा जो है पैटीज आ चुका है, अब इसको हौंपते हैं ना। हाँ जल्दी खाओ खाओ। पहले वैभव का रिएक्शन देखेंगे कि कैसा लगता है। थोड़ा प्राय मुंह में जाएगा। इतना खा लियो क्या? मतलब वीडियो शुरू तूने क्या हाथ में खा लिया? तूने क्या वैभव भैया, कैसा टेस्ट है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। पेट भरा? अबे कहाँ, दिखाओ पनीर, दिखाओ पनीर, पनीर ये। जो गंदी हरकत करता है उसे बोलते हैं बदतमीज। वैभव भाई खा रहे हैं ईसीसी में आकर पनीर पैटीज। कैसी लगी मेरी शायरी? बहुत सही, बहुत सही। दो पनीर पैटीज मैंने खाया, दो भाई ने खाया, बहुत तगड़ी वाली भूख लगी थी। मतलब चिल्लाते चिल्लाते गला एकदम खराब हो गया था, आवाज़ निकल नहीं रही थी। और हमारे साथ जो हमारे छोटे भाई, एकदम फूल गया भाई, हमारे साथ जो दो छोटे भाई थे हमारे, उन्होंने हमारे दो पैटीज के पेमेंट कर दी। यार आप लोगों से मिलो उतना ही काफी है, ये मत किया करो, अच्छा नहीं लगता क्योंकि छोटे भाई। 20 रुपए गन्ना दिया था तो सिर्फ 60 रुपए फायदे भाई साहब। नहीं यार, ये यही सब देखता है। और मैंने इसको बोला था कि अगर तुम तीन पैटीज खा लोगे, तीन पनीर पैटीज खा लोगे तो मैं अपना आईफोन तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अरे सुनो, खा लेते चार लेकिन आईफोन नहीं देते, पेट अलग खराब हो जाता मेरा। पता चला भाई जैक बाहर आ गया। जो लोग भी यहाँ आसपास आते हो यहाँ पे जरूर आना और यहाँ का पैटीज ट्राई करना, मजा आ जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों वैभव के घर पे आ चुके हैं और आज के फिर से बहुत देर से वीडियो एंडिंग ही बना रहे, बना नहीं रहा। फिलहाल दोस्तों हम वैभव के घर पे आ चुके हैं और आज की वीडियो में आपने देखा, फाइनली इस बार वीडियो एंड कर लेंगे उम्मीद है। और आज की वीडियो में आपने देखा कि हम गए थे सबसे पहले लक्ष्मण मार्केट, गए थे वो जैक ढूंढने, जो वहां पर भी हमें नहीं मिला। उसके बाद शाहगंज गए थे, शाहगंज के लिए, शाहगंज के लिए लोगों ने इतना बोला था कि भैया शाहगंज में किसी दुकान चले जाओ, केसी चले जाओ, केसी केसी चले जाओ, मिल जाएगा। ना केसी मिला, ना बालाजी मिला, कहीं नहीं मिला। और उसके बाद फिर हम लोग जो है भूख लगी थी तो चले गए बेकर्स हट, वहाँ पे पैटीज खाया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह के अपने नेक्स्ट धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ऐसी कोई भी सजेशंस होगी कमेंट्स में जरूर बताना, बिल्कुल बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय बाय।